हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ हेयर स्पा घर पर आप कैसे कर सकते हैं। जब भी हेयर स्पा की बात आती है तो ये लगता है कि हम स्टीम कैसे दें, है ना। जो बड़े बड़े पार्लर होते हैं वहाँ पर जो स्टीमर होता है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई ख़रीद के उसे अपने घर पर नहीं रख सकता। इसलिए मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जिसकी अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। साथ में मैं आपको उसको कैसे यूज़ करना है ये भी बताऊँगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से मुझे रिसीव हुआ है, ये है स्पा स्टीमर जिससे आप घर पे ही अपने बालों को स्टीम कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको डेमो भी दिखाऊँगी करके किसे कैसे यूज़ करना है। तो इस तरीके से मुझे रिसीव हुआ है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी, अगर आप परचेस करना चाहेंगे तो ज़रूर से चेक करिएगा। ये कुछ कैप इस तरीके से, ये कैप की तरह है और इसके अंदर जो है ना ये पूरा वायर है, इलेक्ट्रिक वायर जो हमारे हेयर को स्टीम देगा। और इसके अंदर हमें ये मिल जाता है चार्ज करने का, ये प्लग है इसे हमें लगाना होता है। और इसके साथ हमें ये मिल जाता है, इसे हाई लो कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा, ये मुझे 165 रुपीज़ में मिला है, ऑफ़र चल रहा था। तो और अभी आप लोगों को कितने का मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है प्राइस। तो ये आपको अमेज़ॉन में भी मिल जाएगा, फ़्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा, थोड़ा सा प्राइस का चेंज होगा आगे पीछे। और बाकी मैंने ये मीशो से बाय किया, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। इसका मैं आपके साथ डेमो भी शेयर करूँगी किसे कैसे यूज़ करना है। और इसमें कलर की बात करें तो आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा चूज़ करने का कलर, चाहे आप कितने से भी महंगा से महंगा मंगा लेंगे, इसमें एक ही कलर, ये पिंक ही मिलता है। तो चलिए मैं इसको आपको यूज़ करके बताती हूँ। इसे यूज़ करने से पहले हमें अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेना है, उसके बाद हमें अच्छे से हेयर ऑयलिंग करनी है, अपने स्कैल्प की, अपने हेड की अच्छे से मसाज करनी है, हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, अच्छे से बिल्कुल चम्पी कर लेना है पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से ऑयलिंग कर लेनी है। उसके बाद हमें स्टीम देना है। ज़रूरी नहीं कि हेयर स्पा करने के बाद ही हम अपने बालों को स्टीम दें, नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको हेयर स्पा के साथ भी स्टीम देना बताऊँगी इससे इसका डेमो। और अभी मैं अच्छे से ऑयलिंग कर ली हूँ और अपने बालों को सिक्योर कर लूँगी। ऑयलिंग करने के बाद सिक्योर कर लेना है क्योंकि हम पूरे हेड पे, स्कैल्प के साथ साथ पूरे हेयर पे भी हमें स्टीम देना है। स्टीम देने से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जो हमारी हेयर ग्रोथ होती है ना रुक जाती है, वो ऑन हो जाती है, मतलब चालू हो जाती है बढ़ना, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और जितने भी स्कैल्प में डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना वो साफ़ हो जाती है। तो ये मैं अच्छे से अपने बालों को सिक्योर कर ली हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर इसे चार्ज पे लगा दूंगी। तो ये मैंने इसे ऑन कर दिया है, इसमें हमें ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, हाई लो का बटन मिल जाता है। तो हमें इसे 5 मिनट के लिए हाई पे हीट करना है, और ये 5 मिनट के लिए जब हीट हो जाएगा, 5 मिनट के बाद हमें इसे जब अपने बालों पे स्टीम देना होगा तो हम इसे लो कर लेंगे, हाई पे नहीं। तो ये मैं इसे लगा दी हूँ चार्ज पे, ये चार्ज हो जाए तो मैं अपने बालों पर इसे लगा लूँगी। तो ये मेरा चार्ज हो गया था, मतलब 5 मिनट के लिए हीट हो गया था। तो अब मैं इसे लो कर दी हूँ इसका टेम्परेचर, और इसे मैं अपने हेड पे लगा रही हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई थी क्योंकि मैं थोड़ी सी फनी लग रही थी, तो इग्नोर करिएगा आप इसे। और इस तरीके से मैं इसे 10 मिनट के लिए लो पे अपने बालों पे अच्छे से स्टीम दूँगी। काफ़ी रिलैक्स लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और स्टीम देने के बाद हम इसे शैम्पू कर लेंगे अपने बालों को, हर्बल शैम्पू। हमेशा मैं बोलती हूँ आपको कि कोई हर्बल शैम्पू यूज़ करिए और या फिर माइल्ड शैम्पू, तो आपके बालों को मतलब कम नुकसान पहुँचता है। तो मैं अपने बालों को शैम्पू कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। स्टीम देने के बाद मैंने अपने बालों को शैम्पू कर लिया है, वॉश कर लिया है हर्बल शैम्पू से। मैंने यहाँ पे प्लम का हर्बल शैम्पू यूज़ किया है, और आप देख रहे हैं मेरे बाल कितने ज़्यादा शाइनी लग रहे हैं। अभी ये गीले हैं, जब ये ड्राई हो जाएंगे तभी और ज़्यादा शाइन करेंगे और बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप भी घर पे इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इजीली हर कोई इसे यूज़ कर सकता है। आप घर पे आप इसे स्टीम दे सकते हैं अपने बालों को इस तरीके से जैसा मैं बताई हूँ, और आप चाहें तो घर पर ही हेयर स्पा कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हेयर स्पा के लिए ज़रूर आप लोगों के लिए बनाऊँगी, तो उस पर भी मैं आपको इसका यूज़ करके बताऊँगी कि घर पर आप कैसे हेयर स्पा कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ना।